भारत देश में रामलीला का मंचन हर जगह हर शहर होता रहता है, लेकिन कहीं कुछ खास है जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं पहुंची हूँ सेक्टर 15 की श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी की तरफ से, जो रामलीला आयोजित हो रही है उसको कवर करने के लिए। आपने देखा होगा रामलीला या तो हिंदी में होती है या संस्कृत में होती है, लेकिन यहाँ पर इस बार की रामलीला के कुछ अनोखे अंदाज है। मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल कर रहे हैं आप रामलीला में, तो मतलब खुद में अंदर से कैसी फीलिंग आती है कि हाँ मैं वहाँ पे डिजर्व करता हूँ इस रोल के लिए? देखो, खैर मैं तो कहता हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करता ये रोल, मुझे लगता कोई डिजर्व नहीं करता। तो मोहित, एक बहुत अच्छा सा डायलॉग पूछे जो फेवरेट रहा उस रामलीला में। मेरा पर्सनली फेवरेट यही है, माता इस तेरी कृपा का आज आभारी हूँ मैं, जानता हूँ खूब इसका गौण अधिकारी हूँ मैं, खोल दिए हैं आपने दर मेरे कल्याण के, इससे भाग्य क्या होंगे और किसी इंसान के, आश्रम मुनियों के हैं जो मैं उनके दर्शन पाऊंगा, करके ऋषियों के मैं दर्शन कृत कृत हो जाऊंगा, मुझको ये अवसर मिला है भाग्य उदय मेरे हुए, माता सचमुच मुझ पे हैं आज एहसान ये तेरे हुए, वन गमन के वास्ते तैयार मैं होऊंगा अभी, करके दर्शन मात के प्रस्थान कर दूंगा अभी। कोई कलाकार की कला में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कोई क्रंदन इतना प्यारा कर रहा है कि स्वयं ही रोने की इच्छा हो गई है। श्री राम के मुख से ये वर्णन एक अत्यंत ही भाव विभोर करने वाला है। जब आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालात का इजहार हो रहा है तो जरूरी है हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने कभी ऐसी बात नहीं कही। ये सब कुछ भावी करा रही है जो आपके मुंह चढ़कर ये बातें सुना रही है। अच्छा माता, मैं जाता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर इतनी मेहरबानी करना इस रेखा से बाहर एक कदम भी ना धरना। ए पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी गणो गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के ए सूर्य देव मल्लाह हो तुम, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, भाई यदि उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा रेखा के भीतर तुम रहना, जो रेख उल्लंघन करके भी कुटिया के भीतर आएगा है आन उसे लक्ष्मण की वो वहीं